बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाफ़िज़ बर्ड की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज हम आए हैं अवैस भाई का सेटअप विज़िट करने के लिए। इन्होंने माशाल्लाह बिग म्यूटेशन पे वर्किंग कर रहे हैं और काफ़ी बर्ड्स इन्होंने रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम सलाम अवैस भाई, आप कैसे हैं और आपके बर्ड्स कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और बर्ड्स भी ठीक हैं माशाल्लाह। हमें और हमारे व्यूअर को बताइए आपने कौन कौन सी बिग म्यूटेशन रखी हुई है? जी मेरे पास लोरी में, असल में ज़्यादा मैं लोरी लवर हूँ तो इसलिए ना मेरे पास लोरी में ज़्यादा है और बाकी रिंगनेक भी है मेरे पास और रजीला भी है माशाल्लाह। और कॉकटेल वगैरह मैंने ना पोस्टिंग के लिए लगाए हुए हैं तो तकरीबन एक दो साल से ही मुझे ये शौक़ पड़ा है तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया है सारा। तो आपने स्टार्टिंग भी इनसे ही ली है कि? जी स्टार्टिंग में अगर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था तो इस वजह से ना थोड़ा इस फील्ड में धक्का भी खाना पड़ा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की थी मकाओ से। पहले ग्रे पैरेट रखा था, वहाँ से शौक उठा तो फिर मकाओ रखा, तो मकाओ के बाद फिर राह वगैरह रखे और फिर शौक बढ़ता गया, चीज़ें बढ़ाते गए, चेंज भी सेल भी करते रहे, नहीं भी खरीदते रहे। यानी कि एक्सपीरियंस पहले लिया है फिर उसके बाद? हाँ जी, पहले कह लेंगे स्टार्ट में एक्सपीरियंस ही आया है बस, तो और बाद में फिर पता चला है कि क्या क्या है इस काम में और क्या नहीं। तो इस वक्त जो आपके पास जानवर है सब ब्रीड है? नहीं सारे ब्रीड नहीं है, कुछ मैंने न्यू लगा के लगाए हैं तो कुछ हैं जो ब्रीड कर रहे हैं। तो क्या मतलब ये सेटअप को बड़े किए ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ मुझे, तो 3-4 मंथ से ये मैंने बड़ा किया, उससे पहले मेरे पास 4-5 पेयर ही थे। तो यानी कि सबसे जो आपको दिल से या चाहत है बर्ड में हाँ, वो है लोरी? वो बस मेरा शौक है कि मेरे पास ना हर किस्म का लोरी होना चाहिए, तो जो मुझे मुनासिब रेट पे सही रेट पे मिलता है, जो म्यूटेशन सेम भी मिल जाए तो वो भी ले लेता हूँ, डिफरेंट मिल जाए तो वो भी ले लेता हूँ। तो हमें और हमारे व्यूअर्स को अपना सेटअप विज़िट करवाएं। जी इंशाल्लाह ज़रूर आएँ जी। ये मेरे पास है स्विंसन लोरी है ठीक है, और इसकी एज तकरीबन है 2 से 2.5 साल। तो अभी मैंने ये न्यू लगवाया है, ब्रीड फ़िलहाल नहीं थी इसने मेरे पास, तो ये पेयर है मेरे पास और इसके केज का जो साइज़ है वो 2x2x3 है। तो अवैस भाई ये पेड़ जब कितनी एज में ये ब्रीड करते हैं? ये तकरीबन 2.5 साल में ब्रीड कर जाता है लोरी, जो फर्स्ट टाइम जो ब्रीड है वो। ये मेरे पास जो पेयर है ना ये थोड़ा सेमी टेम है, ये देखते हैं अगर हैंड वाइट नहीं करता, वाइल्ड नहीं है। तो सुनने में ये भी आता है जो हैंड टेम है वो ब्रीड नहीं करते? नहीं ये बात गलत है, अगर आप YouTube से वीडियोस निकाल के देख लें जो गोरों की हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने तकरीबन सारे पेयर ही उनके मेरे ख्याल से वह हैंड टेम ही होते हैं, तो ये हैंड टेम कर जाता है ब्रीड, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ये आपके पास फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा जी। ये रजीला का रबीनो रजीला का पेयर है मेरे पास, तो ये भी मैंने तकरीबन 6-7 मंथ पहले लिया है। फिलहाल ये मेल अलग लिया था, फीमेल अलग ली थी तो पेयर बना लिया है, तो अभी ब्रीड नहीं की मेरे पास। नहीं बॉक्स के पास जी, बॉक्स में फीमेल जी उम्मीद है ज़्यादा, क्योंकि ये रजीला अक्सर फुल सर्दी में ब्रीड करता है तो उम्मीद है कि बजोड़ा लगा हुआ है। इनकी एज क्या होती है? इनकी एज जो ब्रीड की है ना वो 1.5 साल होती है रजीला की, जो 1.5 साल में ब्रीड कर जाता है। तकरीबन इनकी अडल्ट होती है, फुल अडल्ट तो 1.5 साल में फर्स्ट ब्रीड कर जाता है, 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। और जी ये मेरे पास रेनबो लोरी का पेयर है, तो ये भी मैंने 3-4 मंथ पहले लिया है, तो अभी ब्रीड नहीं की इसने मेरे पास, बाकी आइज से पता चलता है इनके कि ये फुल अडल्ट है। सही है जी। ये मेरे पास रेड लोरी का मेल है, तो फीमेल अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, तकरीबन ये 6 से 7 साल की उम्र का रेड लोरी का मेल है, तो फ्लाइंग हर चीज़ इसकी ठीक हो गई है, थोड़ा फॉल्टेड था एक पंख से फ्लाई भी करता था, तो मैंने मेडिकेशन वगैरह की तो अब माशाल्लाह ठीक है। और ये अकेला क्यों आपने छोड़ा हुआ है? जी अकेला इसलिए छोड़ा कि फीमेल अभी मिल नहीं रही, जैसे कोई फीमेल इसकी मिलती है तो फिर लगा लेंगे इसके साथ। जी ये मेरे पास क्रीमिनो रिंगनेक के हैं, तो ये भी ये ना काफ़ी जड़े हुए थे, फुल तकरीबन कह लें कि नंगे थे बिल्कुल ही पंख वगैरह इनके, मेडिकेशन वगैरह की है तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिजल्ट मिला है, और ये अब देखें माशाल्लाह काफ़ी कवर हो चुके हैं, तो ये रिंगनेक का पेयर है मेरे को। जी ये सनकनोर है जी, तो ये भी अडल्ट पेयर है, फीड करवाता है, क्रॉस नहीं अभी किया, ये भी मैंने कुछ अर्सा ही पहले लिया है। और मेल फीमेल इसका कंफर्म? हाँ जी मेल फीमेल कंफर्म है, वो हड्डी से चेक हो जाता है, बाकी डीएनए नहीं करवाया मैंने इनका, मेल फीमेल कंफर्म है। हालांकि ज़्यादातर देखने में ये आता है कि जो
संत नौ रखते हैं वो डीएनए जरूर लेते हैं या करवाते हैं, आपने वैसे ही अंदाजे से लगाया, वैसे अंदाजे से लगाया हो, बाकी एक्टिविटी से भी कुछ पता चल जाता है, बाकी इसकी जो वो हड्डी होती है उससे भी पता चल जाता है इवेंट वाली कि ये मेल फीमेल है। ठीक है, ये कॉकटेल है, इनो कॉकटेल है मेरे पास, तो ये रखे हुए हैं, अभी ब्रीड नहीं की किसी ने भी, ये माशाल्लाह काफ़ी थे जो कि मैं आपसे सारे खरीद चुका हूँ जी। आप चार पीस आपने सेल करवा दिए हैं, तो फिलहाल ये भी सेल के लिए रखे हुए हैं जी, तो जैसे किसी व्यूअर को पसंद आते हैं तो फिर वो आपसे रब्ता कर लेगा। ये भी रेनबो लोरी का पेयर है, तो ये भी अडल्ट है, अभी फिलहाल ब्रीड नहीं की, इसके भी काफ़ी ज़्यादा पंख मेल के जड़े हुए थे, तो अब माशाल्लाह काफ़ी रिकवर हो चुका है, तो ठीक है। तो वैसे भाई मुझे ना लोरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए, मुझे सुनने में अगर इन्हें दाने पे रखा जाए ना तो ये 5 साल निकालते हैं अगर इन्हें फ्रूट। भाई ये एक पेयर ऑलरेडी मैं आपको नेट से दिखाता हूँ, वो मेरे पास काफ़ी 2-3 साल से है, मैं दाना भी डाल रहा हूँ उसको, फ्रूट भी डालता हूँ, तो ये मुझे कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये दाने पर रखो तो कमज़ोर हो जाते हैं, ये एज कम हो जाती है, मगर आप दोनों चीज़ें देते रहे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि वो देखें ना सीड्स में जो विटामिन होते हैं वो भी उनको मिलने चाहिए, जो फ्रूट्स में विटामिन होते हैं वो भी मिलने चाहिए, कोई बेस्ट रहता है। ये जी वॉयलेट नेक लोरी का पेयर है, ये एक मेल फीमेल कंफर्म है, मेल का डीएनए है, फीमेल का डीएनए नहीं है, मगर उसने मेरे पास पहले एग ले कर चुकी है, तो इसलिए मेल अलग अला के साथ लगाया हुआ है कंफर्म है। ये जी मेरे पास पेंटागोनियन का मेल है, तो अभी इसकी भी फीमेल ढूंढ रहा हूँ, अभी फ़िलहाल तो मुझे मिली नहीं है, तो अल्लाह करे मिल जाए तो ये भी मेरा पेयर कंप्लीट हो जाए, तो सिंगल पीस सेल के लिए मेरे काफ़ी लोगों ने पूछा, मगर मैंने कहा नहीं सेल नहीं करना, फीमेल ही चाहिए। माशाल्लाह, तो इसकी यूज क्या है, ये बच्चे ये तकरीबन ये नहीं ये 3 से 4 साल का है, तो इसकी आइज़ के रिंग से पता चलता है कि इसकी उम्र पूरी है, फीमेल मिलती है अगर कोई मिलती है वो छोटी एज की होती है, मैं नहीं लेता, तो मैं कहता हूँ कि चलो जो अडल्ट ही मिल जाए तो फिर ही लगाऊँगा सर। ये भी मैंने अभी ना कुछ अर्सा पहले लेके आया हूँ, कुछ दिन ही हुए हैं, ये फॉल्टेड पीस हैं, इनको भी जैसे वो पहले आपको क्रिमिनो दिखाया ठीक कर लिया था, तो इनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाएं, तो इनका भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो आस्ता आस्ता बाकी सारे फिदर्स वगैरह ना इसके निकल आएंगे इंशाल्लाह। ये जी कॉकटेल है, कॉमन वाइट कॉकटेल, ये जो नीचे बैठे हुए हैं ये बच्चे हैं इनके, इन्होंने निकाले अभी हैंड पे, अभी वो सेल्फ पे नहीं हुए अभी तक, पेरेंट्स से फीड ले रहे हैं, और जो ऊपर बैठे हुए हैं स्टिक के ऊपर वो इनके पेरेंट्स हैं। और वैसे भाई आपने कॉकटेल को लव बर्ड वाला बॉक्स लगाया हुआ है, इसकी क्या रीज़न है? भाई इसकी रीज़न ये है कि मेरा अपना एक ख्याल है कि जी जितना अगर नेचुरली देखें कुदरती तौर पे इन्होंने ना दरख्तों के सुराख में अपने घर बनाए होते हैं, तो जितनी तंग जगह होगी ना बच्चे उतनी अच्छे तरीके से पाल लेते हैं, जितनी खुली जगह होती है बच्चे दूर दूर हो जाते हैं, किसी को फीड मिलती है किसी को नहीं मिलती है, फिर बीच में बच्चे मरने लग जाते हैं, तो इसलिए ना मैंने इन्हें छोटे बॉक्स लगाए हुए हैं। यानी आपके सारे बच्चे ठीक पलते हैं? हाँ जी ठीक पल जाते हैं। सही हो गया। ये जी रेनबो लोरी का पेयर है, तो ये पुराना पेयर है मेरे पास, जो मैं आपको बता भी रहा था कि ये मेरे पास तकरीबन 6 से 7 बार ब्रीड कर चुका है, बल्कि ज़्यादा बार ही ब्रीड कर चुका है, तो माशाल्लाह ये पेयर बहुत अच्छा चल रहा है। एवरेज 2 ही होती है जी, 2 एग दो ही देता है, 2 ही बच्चे निकालता है, तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि इसने तकरीबन जब भी बच्चा उठा लेता हूँ 1 से 2 मंथ के बाद दोबारा फिर से दे देता है। वैसे भाई ये 1 साल में आपको कितने क्लच दे देता है? जी मैंने 1 साल में टारगेट लिया कि अगर मैं बच्चे ना जल्दी उठाऊँ ना तो फिर भी ये 1 साल में 4 बार ब्रीड कर जाता है, अगर बच्चा आप 10 से 15 दिन को उठा लेते हैं ना तो फिर 7 से 8 बार आप ब्रीड ले सकते हैं इजीली लोरी से। इनसे ऐसा कारोबार भी किया जा सकता है, लेकिन दूसरे जानवर से कारोबार किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपको ये तजर्बा हो जाता है कि बच्चे आप हैंड फीड पर पालने लग जाते हैं, तो मेरे ख्याल से लोरी सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि ये बार बार करता रहता है ब्रीड, अगर आप इनको फ्रूट वगैरह विटामिन वगैरह और देते रहते हैं इनकी सेहत का ख्याल रखना। ये जी कॉकटेल्स हैं मैंने ये अभी न्यू ला के लगाए हैं, ये फॉस्टिंग के लिए लगाए हैं, नेक्स्ट कोई भी महंगा पेयर अंडे देगा तो वो अंडे उठा के इन पेयर्स के नीचे मैं लगा दूंगा। तो आप ये सारे ग्रे कॉकटेल आप बता रहे थे कि आपने पहले भी लोरी इनसे सुनवाए हैं, तो क्या ये अच्छे? ये असल में आप रिसर्च करके देख लें तो तब भी आपको यही पता चलेगा, कॉकटेल में जो सबसे अच्छे और सबसे लविंग जो बच्चे पालते हैं ना वो ग्रे कॉकटेल है, इसलिए मैंने ये ग्रे कॉकटेल अभी न्यू लगाए हैं सारे, तो इनसे ना फॉस्टरिंग का काम लिया जाएगा, तो दूसरे महंगे बर्ड्स के अंडे उठा के इनके नीचे रखे जाएंगे तो फिर ये बच्चे उनके पालेंगे।
इनके अंडे आपने गाया कर देने यार उनके नहीं वो देखेंगे ना कुछ जो पेयर दूसरे पेयर को एक्सचेंज कर लेते ना कि किसी के नीचे दो अंडे या तीन अंडे हैं तो फिर जिसके हमने अंडे उठा लेने हैं वो दूसरे किसी और के नीचे लगा देंगे ताकि इनके अंडे भी ज़ाया ना हो और हमें भी जो फ़ायदा चाहिए वो भी हमें मिलता रहेगा। यानी कि ये आपने आठ खाने लगाए हैं और आठ में आठ आपने फोस्टर पेयर लगाए हुए हैं। जी ये फोस्टर पेयर ही मैंने लगाए हैं, अभी न्यू ला के लगाए हैं तो अल्लाह करे ये जोड़े लग जाएं आप स्टार्ट हो जाएं तो फिर मैंने सोचा हुआ कि नेक्स्ट जो महंगे बर्ड्स हैं और मज़ीद बढ़ा लेने हैं। आप ये देख ही रहे हैं केजेस वगैरह, इन केजेस के ऊपर और केजेस लगाने का मेरा मतलब डिसीजन है कि इनके ऊपर और दो दो केजेस लगाऊंगा। सारे ग्रे कोकटे लगाए हैं। ये जो केज का साइज़ है ना ये केज दो बाई डेढ़ बाई ये दो बाई डेढ़ है ठीक है, तो इनमें मैंने ये लगाए हुए हैं क्योंकि इनके लिए ये लिहाज से ये बेस्ट केज होता है पार्ट करने वाला जो केज है ना, तो इसलिए मैंने ये केज। तो वैसे भाई आपने फोस्टर पे ये यूज़ किया क्या, इन्होंने पहले आपके पास ब्रीड की? नहीं ये मैंने आपको बताया कि पेयर मैंने न्यू लगा के लाए हैं, न्यू लेके आया हूँ तो अभी तक इनसे मैंने कोई ब्रीड नहीं ली। वैसे ये जोड़े कुछ लगे लग गए हैं और कुछ के रहते हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही मेरा ख्याल है आगे सीज़न आ रहा है तो जैसे ये एग ले करेंगे तो दूसरे भी ले करेंगे तो उनके अंडे भी मैं इनके साथ ही मिक्स करके लगाऊंगा। में ये दो बॉक्स पड़े हुए हैं, ये पहले मेरे पास एक ग्रे का पेयर था वो मैंने वो केज में लगाया होता है एक और में, और ये जो बड़ा बॉक्स है ना ये इधर ही लगा था, इधर ये सारा केज ही था, ये पूरा रूम है ना केज बनाया हुआ था, इसमें मैंने मकाओ का पेयर एक छोड़ा हुआ था, तो बाकी वो अल्लाह की मर्जी होती है कि ब्रीड मिलनी या ना मिलनी, तो वो मेरे पास चला नहीं और कुछ एक्सपर्ट भी नहीं था मैं इस मामले में, तो लोगों ने फिर किसी एक्सपर्ट ने बताया कि यार अभी इनकी एज भी नहीं है ब्रीड वाली, तो ये तीन चार साल के पट्टे हैं, तो फिर वो पेयर मैंने सेल कर दिया। बस में चूना लगता रहता है ऐसा, ये मस्ट है इस फील्ड में चूना लगता ही लगता है। सही, तो इसके साथ ये छोटे केज और आपने एक क्लोनी केज बड़ा बनाया हुआ है जी, ये जो दूसरी साइड पे ये जो दूसरी साइड पे आपको केज नज़र आ रहा है ना जो जी, ये इसमें मैंने ग्रे छोड़ा हुआ था और वो बॉक्स इसमें ही लगाया हुआ था। सही हो, ये वाला केज है जी, ये बड़ा मैंने पहले इसमें ग्रे लगाया हुआ था जी, तो वो जो आपको बॉक्स दिखाया रेड वाला वो बॉक्स इसमें लगता, मगर अब मेरा ये डिसीजन है कि इसमें ना जो कॉकटेल्स के जितने भी बच्चे निकलेंगे वो सारे इसमें मैंने छोड़ते जाना है, जो बड़े होते जाएंगे तो इसमें छोड़ते जी, इधर भी पट्टों से अपनी कलोनी लगानी जी, ये कलोनी भी मैंने पट्टों से लगानी है मैंने। इसके साथ व्यास भाई मेरा ख्याल है कि आपके पास लव बर्ड की भी बहुत अच्छी कलोनी है। हाँ जी वो भी माशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, वो भी अच्छी कलोनी है मेरे पास भाई। ये लव बर्ड का हमारा सेटअप है, तो ये 20 से 25 दिन हुए हैं मुझे बनाए को, तो ये सारा केज इधर मैंने न्यू ही तैयार करवाया है और इसमें ये जोड़े छोड़े हुए हैं, तकरीबन 50 जोड़े हैं ये कॉमन, तो ये लतीनो के कॉमन लतीनो जी, कॉमन लतीनो और लतीनो पसनाटा के भी बीच में 5 जोड़े हैं। तो ये ब्रीडर है कि पट्ठे ही उठाए हुए हैं? ये सारे ब्रीडर हैं, जहाँ से मैं उठा के लाया हूँ ना तो सब तकरीबन सभी में कुछ में ना वो अंडे थे, तो ये सारे ब्रीडर हैं। तो भाई ये आपने कुछ लगा रही है नेस्टिंग वगैरह कर चुके हैं कि नहीं? हाँ ये मैं रोज़ाना ना थोड़ा थोड़ा वो फेंक देता हूँ जो छिलका होता है ना, हाँ जी कुर्सी का छिलका होता है वो उठा के ले जाते हैं, अभी नेस्टिंग वो खुद ही कर रहे हैं, मैंने खुद नहीं बनाई, तो मैंने कहा बर्ड खुद बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, यानी कि लेंगे आने वाली है नेस्टिंग कम्प्लीट। हाँ जी इंशाल्लाह जी, बाकी बात जो अल्लाह की रजा होगी वो। तो हमारे यार व्यूअर्स को ये भी बताएं कि उन्होंने अगर शेड वगैरह बनाना हो, आपने ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी, छोटा भी है इतना बड़ा भी नहीं है, इस पर कितना खर्चा आया है और कौन कौन सी आपने? ये पहले मैंने फ्रेम तैयार करवाए थे, फ्रेमिंग करवाई है, उसके बाद जो छत में फोम भी आप देख सकते हैं कि अगर छत पे फोम भी लगा हुआ है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, मगर ना गर्मी नीचे जाएगी, थर्मोपोल के फोम लगाया हुआ है मैंने, ना सर्दी हो गर्मी में ना हीट नीचे जाएगी ना ठंड नीचे जाएगी ठीक है। आपने और ये लोहे की चादरें ऊपर लगाई हुई हैं, बाकी फ्रेमिंग करवाई हुई है सारी, ये टोटल मेरा मिला के ना हर चीज़ मिला के वो खर्चा तकरीबन 50 से 55 हज़ार आ चुका है इस पर जी। माशाल्लाह आपकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, यानी कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। हाँ जी टेम्परेचर इसी तरह टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैंने ना ये लोहे की चादरों के नीचे ये लगाई हुई है, थर्मोपोल की शीट्स लगाई हुई हैं, वो शीट को भी जाली लगा दी हुई है ताकि वो परिंदे ना जो उसको बाइट, जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये छत के ऊपर पूरी के ना थर्मोपोल लगा के फिर उसके ऊपर लोहे की चादरें फिट की हुई हैं, इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो वो नीचे नीचे ना ठंडक जाएगी ना गर्मी जाएगी, तो गर्मियों में सिंपल से अगर हम एयर कूलर चला देंगे तो भी इधर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और सर्दियों में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही जो आपने वैसे ही शीट लगाई है बर्ड्स उसे नुकसान तो नहीं पहुँचाते जी? मैंने पहले शीट वैसे लगा दी थी, बर्ड्स उसे खाने लग गए थे, फिर मैंने उस शीट को आप देख सकते हैं कि ये मैंने जाली लगा दी दोबारा शीट को, अब वो कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो शीट जो खा ली थी उन्होंने वो मैंने दोबारा न्यू लगा दी है। सही हो,
वैसे भाई जैसा कि ये मैं केज देख रहा हूँ इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ये ना ये मैं बताता हूँ, स्टार्ट में मैं बिल्लियों से बहुत ज़्यादा परेशान था और हमारे व्यूवर्स को बहुत सारे जो शौकीन हैं बर्ड्स के वो भी परेशान होंगे। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये देखें। ये ना केज मैंने बनवाया था बिल्लियाँ पकड़ने के लिए, तकरीबन मैं इससे 10 से 12 बिल्लियाँ पकड़ के छोड़ के भी आया हूँ। तो ये अभी भाई आपको ये लगा के दिखाते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये हमने खुद ही अपने आइडिया से बनाया था। इसमें ये उस्मान भाई का हाँ जी हाथ है मेरा ख्याल जी। ये उस्मान भाई ने मुझे आइडिया दिया था कि यार इस तरह का ये केज बनाना चाहिए। तो ये स्लेट है, ये लग जाएगी जी, और वो अंदर कुंडी लगी हुई है। ये अभी आपको भाई लगा के दिखा रहे हैं, ये स्टिक से ये वो कुंडी के नीचे हमने कोई भी गोश्त का टुकड़ा, ख़ास तौर पर जो मुर्गियों की गर्दन होती है ना वो लगा देनी है, और ये इस तरह से ये फिट हो जाएगा, ठीक है। और बिल्ली जैसे ही अंदर जाके उस वो कुंडी पे लगी हुई गर्दन को छेड़ेगी ना जी, तो वो देखें अभी आपको भाई दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये जैसे उसको छेड़ेगी ना तो वो हुक निकल जाएगी, हुक निकल जाएगी, और जैसे ही हुक निकलेगी ये आपको भाई खींच कर ये हुक निकल गई और ये बंद हो जाएगा। तो बिल्ली जो मर्जी कर ले इसके अंदर फंस जाएगी, वो निकल नहीं सकेगी। ये आइडिया था, ये भी अच्छा हो। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेटअप के साथ हाजिर होंगे जी। अल्लाह हाफिज़।